कल जेठू गुस्सा थे मॉक टेस्ट की वजह से. आई एम सॉरी. नो, आई शुड बी सॉरी. द ग्रेट बासु फैमिली में मतलब मैं एक अकेला लूजर बेटा पैदा हो गया ना. आई शुड बी सॉरी. तू ऐसे क्यों बोल रहा है? नहीं, जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ. आई एम सीरियस. मतलब बाबा के लिए मैं सिर्फ एक सोर्स ऑफ एम्बैरेसमेंट हूँ. एंड बाबा वाज राइट. बाबा इज ऑलवेज राइट. एक्चुअली रॉन्ग तो मैं हूँ ना. रॉन्ग होने का मैं पेटेंट लेकर रखा हूँ. ट्राई तक नहीं किया. ट्राई तो कर एटलीस्ट. क्या ट्राई करूं मैं? हाँ, क्या ट्राई करूं मैं इसमें? वही सेम ओल्ड स्टोरी होने वाली है. मैं एग्जाम में अच्छा नहीं करूंगा, बाबा मुझे ह्यूमिलेट करेंगे, एंड फिर क्या? कहाँ टाइम बचा है? मतलब कल मॉक टेस्ट है. और बुक की साइज देख रही है तू? ये वाली तो नहीं, ये देख. कैसे होगा? नहीं हो पाएगा. हम से ना हो पाएगा. एंड ओके ओके, हाथ रख अपने पास. आइडिया, हम साथ में स्टडी करते हैं. क्यों सुसाइड मिशन पे जा रही है? मेरा बैड लक तुझ पे चढ़ जाएगा. आई डोंट वांट दैट बैक. यार तो ड्रामा नहीं कर प्लीज. कौन सी बड़ी बात है? हमने कितने बार साथ में स्टडी किया है. एक और रात कर लेंगे. ऑल नाइट. पक्का? पक्का. तू कितनी भोली है. ओ गॉड, कितनी सुंदर है. सॉरी ये झूठ बोला. मेरी प्यारी नीवी, मेरी भोली नीवी. तू गा मत प्लीज. अच्छा मेरी नया बीच भवर में पर लगा दे. अच्छा ठीक है. अच्छा ठीक है. ओके फाइन. क्या 9 PM? नहीं भी अपने एग्जाम्स के गोल्स को ऐसे प्रेसिशन से अटैक कर रही थी कि स्कड मिसाइल्स भी हार मान ले. वॉर अनाउंस हो चुका था. आबिर को निबे के स्कड मिसाइल्स को डिस्ट्रैक्ट करना था, वरना ए पलट. ओके बाय.